हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, आज है रामायण सीरीज का पार्ट 4 और आज हम बात करेंगे रामायण के कुछ डार्क साइड्स के बारे में। तो ये हम इस आज की वीडियो में जानेंगे कि दशरथ जी को भगवान राम को वनवास क्यों देना पड़ा था, क्यों वनवास के लिए उन्होंने माना, और मंथरा दासी जो थी वो राम से क्यों नफरत करती थी। इसी तरीके की कुछ चीज़ों के बारे में जानेंगे और देखेंगे कि आज की वीडियो में क्या नया है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वनवास से जुड़े जितनी भी रामायण की कहानियां हैं वो आज हम यहां पर देखेंगे, पर उससे पहले मेरी आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको आज का टॉपिक अच्छा लगा है तो जल्दी से लाइक कर लीजिए, और चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा मेरी लेटेस्ट अपडेट के लिए। इतिहास के पन्नों को जब भी आप पलटेंगे हमेशा एक ही चीज़ दिखाई देगी और वो है लालच। लालच राजपाट का, राजगद्दी का। इसी लालच को पूरा करने के लिए हमेशा से षड्यंत्र और शतरंज खेले जाते रहे हैं। ऐसा ही हुआ था रामायण में जब एक दासी ने रानी के कानों में षड्यंत्र घोलना शुरू किया और उनके मन में लालच जगाया उनके पुत्र का राज्याभिषेक का और दूसरी रानी के पुत्र को वनवास भेजने का। जी हाँ, मैं यहाँ बात कर रही हूँ मंथरा दासी कैकेयी और राम जी की। तो यहाँ पर हुआ ये था कि एक बार युद्ध में राजा दशरथ ने माता कैकेयी को 2 वरदान दिए थे। वही वरदान मांगे थे कैकेयी ने, और उन एक वरदान में राम जी का वनवास मांगा था 14 वर्षों के लिए, और दूसरे वरदान में उन्होंने भरत को राजगद्दी देने का वरदान किया मांगा था। अब जो दशरथ थे वो करते भी तो क्या करते, क्योंकि रघुकुल रीत सदा चली आए, प्राण जाए पर वचन ना जाए। तो क्या कभी आपने सोचा है कि रामायण में ऐसा हुआ क्यों? तो इन सब के पीछे कुछ कहानियां हैं, आज मैं आपके साथ वो शेयर करूंगी। अंधे माता पिता को तीर्थ करवाने वाले श्रवण कुमार को तो सभी जानते होंगे, और ये भी जरूर ही जानते होंगे कि उनका गलती से राजा दशरथ द्वारा वध हो गया था। एक जानवर समझने वाले राजा दशरथ झाड़ी के पीछे देख ना पाए और उन्होंने गलती से श्रवण कुमार को मार दिया। बस यही था कि जब वो उनके माता पिता के पास गए तो उनके माता पिता ने उनको श्राप दिया कि जिस तरीके से वो अपने पुत्र के वियोग में है ऐसे ही राजा दशरथ भी उनके पुत्र के वियोग में रहेंगे। तो ये एक श्राप था जिससे कि जो आगे का ये जो सीन था वो हुआ। हमारे आज के सीन में हम यहाँ पर इनको जो वनवास जाते हुए वाला जो सीन है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे प्रसिद्ध सीन है, फेमस सीन है जो हमेशा बनाया जाता है, वो यहाँ पर बनाएंगे। एक नाव बनाएंगे जिसमें हम राम जी और लक्ष्मण जी को बिठाएंगे और माता सीता को बिठाएंगे। तो इस तरीके से अब जगह कम है यहाँ पर, तो हम यहाँ पर इसको इस तरीके से एडजस्ट करेंगे और सीन को क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पर जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्या आप सभी जानते हैं कि मंथरा जो दासी थी वो राम जी से इतना चिढ़ती क्यों थी, इतना क्यों उनको, मतलब वो उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं थे, उन्होंने राम को ही क्यों बोला कि उनको वनवास भेजना चाहिए? तो इसके पीछे भी छोटी सी कहानी है, चलिए वो भी मैं आप लोगों को बताती हूँ। तो जब राम जी 5.5 साल के थे उस समय की बात है, उन्होंने जब मंथरा दासी को देखा, मंथरा दासी का जो शारीरिक जो बनावट थी वो एक अलग ढंग की थी, उन कमर झुकी हुई थी, तो राम जी ने सोचा कि इनकी कमर इस तरीके से क्यों है। तो उन्होंने बचपने में उनके ऊपर मिट्टी डाली, मिट्टी फेंकी उनकी कमर पर, और उन्होंने कहा कि ये मिट्टी फेंकने से तुम्हारा जो कमर का उभरापन है ये कम हो जाएगा। तो मंथरा दासी को ये चीज़ पसंद नहीं आई, उन्होंने सोचा कि राम जो है उनकी इस अवस्था का मजाक बना रहे हैं, और तभी से जो मंथरा दासी थी वो राम के खिलाफ हो गई और उनसे नफरत करने लगी। तो यही एक कारण था कि उन्होंने जो कैकेयी थी उनके दिमाग में इतना ज़्यादा जहर घोल दिया था कि कैकेयी मजबूर हो गई थी राम के वनवास का मांगने के लिए राजा दशरथ से। तो एक श्राप तो यहाँ पर राजा दशरथ को मिला था श्रवण कुमार के माता पिता के द्वारा, एक श्राप यहाँ पर कहा जाता है कि माता सीता को भी मिला था। तोते और सीता माता की कहानी तो आपने सुनी ही होगी।
सुनी है, तो आइए चलिए सुनते हैं। एक बार की बात है, जब माता सीता थोड़ी छोटी थी, तब उन्होंने दो तोते उनके आए पास में, एक तोती थी और एक तोता था। तो जो माता सीता थी उन्होंने ये हट कर ली कि जो तोती थी उसको पकड़ के अपने पास रख लिया, और जिससे कि जो तोता था वो रोता रहा और छोड़ने के लिए उनसे भीख मांगता रहा। लेकिन चूंकि जो सीता माता थी वो छोटी थी, नादान थी, उतना उनको समझ नहीं थी, उन्होंने उस तोते को पिंजरे में अपने पास कैद करके रख लिया। तोता था जो सर पटक पटक कर वहाँ पर मर गया। तो जब फीमेल तोता था उसने माता सीता को यह श्राप दिया कि जिस तरीके से मैं अपने पति के वियोग में यहाँ बैठी हूँ, उसी तरीके से तुम भी ये वियोग सहोगी अपने भविष्य में। तो ये एक श्राप था जो कि माता सीता को मिला था तोते के द्वारा, और कहा जाता है कि इसलिए माता सीता ने अपने पूरे जीवन काल में इतना दुख झेला। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखते ही देखते हमारा जो केवट वाला सीन है वो भी यहाँ कंप्लीट हो गया है। हम यहाँ पर डायरेक्ट उनको जो वनवास वाला सीन है वो बनाएंगे। आप चाहें तो जो केवट वहाँ पे पैर धोता है, चरण धोता है, वो सीन भी बना सकते हैं, अगर आप बहुत बड़ी शीट पे बना रहे हैं तो अगर मेरे जैसी इतनी शीट पे बना रहे हैं तो आप यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं वनवास का सीन बनाना। डिटेलिंग पार्ट आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, चाहे तो आप बहुत इसमें ऊपर की तरफ आसमान दिखा सकते हैं। मैंने यहाँ पे थोड़े से पेड़ पौधे भी दिखाए हैं जिससे कि ऐसा लगे कि वो जंगल में जा रहे हैं। तो नाव हमने बनाई है, तो नीचे हम यहाँ पर जल बनाएंगे, नदी बनाएंगे। तो नदी में एक दो मछलियाँ हम दिखा सकते हैं, आप चाहे तो कमल के फूल दिखा सकते हैं। अब इसके बाद जो नेक्स्ट सीन होगा वो होगा जब माता सीता ने जो सोने का हिरन था उसको देखा था, और अपने जो राम थे, राम जी से उन्होंने उसको पकड़ने के लिए कहा था। तो चलिए वो वाला सीन भी अब यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पर हम दोनों को बैठा हुआ दिखाएंगे एक पत्थर पे, क्योंकि वो वनवास में है, वन में है, तो जो वन में अब उनको हम सिंहासन ये सब तो बना नहीं सकते, तो यहाँ पर या तो हम उनको जमीन पे बिठा के दिखा सकते हैं या इस तरीके से चट्टान पर बिठा के दिखा सकते हैं। तो आप दोनों तरीके से यहाँ पे शो कर सकते हैं, और इस तरीके से यहाँ पे जल्दी से बना लेते हैं ये वाला भी सीन हम।
जो ये गोल्डन हिरन था उसी के बाद हुआ था माता सीता का हरण। तो अब हम हरण वाला सीन बनाएंगे। आप चाहें, अगर आप बहुत ज़्यादा सीन्स बना रहे हैं तो आप लक्ष्मण रेखा जब खींचते हैं वो सीन भी यहाँ पर बना सकते हैं। पर मैं यहाँ पर जो विमान था जिसमें रावण जो है माता सीता को लेके जा रहा था वो यहाँ पर हम बनाएंगे, और इसके साथ ही हम यहाँ पर उनको रोता हुआ इस तरीके से बनाएंगे कि जैसे कि वो दुखी हैं। थोड़ा सा दुखी बनाने के लिए हम उनकी आंखों से कुछ आंसू निकाल सकते हैं जिससे कि हमारा जो सीन है वो प्रॉपरली उसी तरीके का बने। साथ ही में हम यहाँ पे जटायु को भी बनाएंगे जिनका पर जो है रावण ने काट दिया था और उसके बाद वो घायल होने के बाद मर गए थे। तो ये वाला सीन भी हम यहाँ बनाएंगे। तो इस तरीके से बनाएंगे कि हम आकाश में एक पंछी उड़ता हुआ बनाएंगे और उसका एक जो पर है वो कटा हुआ दिखाएंगे। तो इस जल्दी से आइए इस वाले सीन को ड्रॉ कर लेते हैं। और यहाँ पर जो ये विमान है रावण का, इसको थोड़ा सा हम अच्छे से डेकोरेट करेंगे क्योंकि ये जो है एक मतलब लंकापति का है, और थोड़ा इसको दिखाएंगे अलग तरीके से क्योंकि नहीं तो हमारा जो ऊपर नाव वाला सीन है और ये वाला है सेम लगेगा। तो इसे थोड़ा सा डिफरेंट दिखाने के लिए इसकी शेप भी हमने थोड़ी सी डिफरेंट रखी है और थोड़ा सा इसको और इंटरेस्टिंग सा बनाया है। तो आप चाहें तो इसको किसी भी तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं, कोई भी डिजाइनिंग इसके अंदर कर सकते हैं। जब हम यहाँ पर कलरिंग करेंगे ना तो यहाँ पर जो जटायु का जो पंख जो तोड़ काट दिया था रावण ने वहाँ पर लाल रंग दिखाएंगे जिससे कि वो घायल वहाँ से दिखाई दे, और कुछ ड्रॉप्स बनाएंगे खून की जिससे कि ऐसा लगे कि हाँ ये जो खून है उनका नीचे की तरफ टपक रहा है। तो इस तरीके से यहाँ पर हमने ये जो बनाए हैं, और रावण का यहाँ पर हम जो बनाएंगे वो थोड़ा सा इस तरीके से बनाएंगे कि उनको, क्योंकि वो राजा थे लंका के, तो यहाँ पर उनको जो दुशाला है ये सब और आभूषण उनको प्रॉपर तरीके से पहनाएंगे। बट हम उनके यहाँ 10 सर नहीं बना रहे हैं, यहाँ सिंपल उनका एक ही सर बनाएंगे। तो जब माता सीता को ढूंढते ढूंढते रावण पहुंचे शबरी की कुटिया में, तो शबरी ने वहां अपने झूठे बेर खिलाए थे क्योंकि शबरी बहुत वर्षों से इंतजार कर रही थी प्रभु श्री राम के आने का, और वो मानती थी, उसका मानना था कि जब भी प्रभु श्री राम आएंगे तो वो उनको मीठे बेर खिलाएगी। तो अब ऐसे कैसे पता चले कि कौन सा बेर मीठा है, तो इसलिए वो एक बार उस बेर को खुद खाती थी और फिर दूसरे उसको सेम बेर को वो राम जी को देती थी खाने के लिए ताकि उनके प्रभु श्री राम जो है वो कोई भी खट्टा बेर ना खा लें। तो इसीलिए हम यहाँ पर शबरी के बेर जो कि एक बहुत ही फेमस क्या कहते हैं एक पार्ट है रामायण का, वो भी हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। यहाँ पर जो सबरी है उसको हम इस तरीके से बैठे हुए दिखाएंगे, हाथ में एक बेर दिखाएंगे और सामने एक तसला या एक टोकरी रखेंगे जिसमें काफी सारे बेर रखे हैं, और साथ ही उनकी कुटिया के बाहर राम जी और लक्ष्मण जी बैठे हैं बेर खाने के लिए। तो इस तरीके से सीन को ड्रॉ करते हैं।
की वीडियो में इतना ही। अगर मैं आगे के सीन भी दिखाऊंगी तो वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, इसलिए मैं चार चार सीन दिखा रही हूँ ताकि आप आसानी से बना सकें। तो कैसी लगी आपको आज की वीडियो मुझे ज़रूर बताइएगा। कैसी लगी आपको रामायण से जुड़ी हुई कुछ कहानियाँ? अगर आपको पसंद आई है तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। नोटिफिकेशन बेल ऑन करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि जो अगला पार्ट है वो और भी अच्छा होने वाला है, और भी कुछ जुड़ी हुई कहानियाँ आप उनसे सीखेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।